शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के विलय का ऐलान किया। देश में अब 12 पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केंद्र सरकार ने किन बैंकों के विलय का ऐलान किया है। जहां पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय होगा, तो वहीं दूसरी तरफ केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक आपस में मिलेंगे। तीसरा बड़ा विलय होगा यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का, जबकि इलाहाबाद बैंक के साथ इंडियन बैंक का मर्जर होगा। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2017 में पब्लिक सेक्टर के 27 बैंक थे। पिछले दो साल में पीएसयू बैंकों यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक की संख्या अब 27 से घटकर 12 हो गई है, यानी इन बैंकों के मर्जर के साथ ही पीएसयू बैंक 12 रह गए हैं। वहीं सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के बाद अब इन 10 बैंकों की जगह केवल 4 राष्ट्रीयकृत बैंक होंगे, जबकि पहले से मौजूद 8 दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलाकर देश में सरकारी बैंकों की संख्या केवल 12 रह जाएगी। तो एक नजर डालते हैं अब देश में कौन कौन से सरकारी बैंक रह जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और देना बैंक, विजय बैंक के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये पहले से मौजूद वो सरकारी बैंक हैं जो अकेले ही वजूद में हैं। वहीं एसबीआई के बाद पंजाब नेशनल बैंक दूसरा सबसे बड़ा देश का बैंक होगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।